नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेला से बहुत ही स्वादिष्ट चटनी, कहिए भरता जो भी कहिए, बहुत ही स्वादिष्ट। जो करेला नहीं भी खाते हैं वो भी खाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम कैसे इसको बनाते हैं। तीन करेला है, इसको हम धो करके काट के नमक पानी में डाल दिए थे, उसके बाद मैश के धो के इसको निकाल लिए हैं। और तीन करेला है तो तीन टमाटर भी लिए हैं, एक पूरा पोट लहसुन का लिए हैं, पूरा पोट लहसुन का, इसको भी हम छील के, और एक प्याज लिए हैं, नमक। फिर बन जाने के बाद इसमें हम ये धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और तेल मिलाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऐसी चटनी आपने नहीं बनाई होगी तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम इसमें ये टमाटर डालेंगे, कुकर में बनाएंगे हम इसको। तो कुकर में सबसे पहले हम टमाटर को डालेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि टमाटर आप एकदम छोटा काटिए। इस टमाटर को डाल दिए, अब हम इस करेले को डाल देते हैं। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी। इसको भी हम इसमें डाल दिए हैं। ये लहसुन है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देते हैं। फिर बनने के बाद चेक करके तब हम इसमें नमक डालेंगे। और ये प्याज भी हम, प्याज कच्चा नहीं रहना चाहिए, प्याज इसी के साथ पकेगा। तो प्याज को भी हम मोटा मोटा काट के इसमें डाल देते हैं। देखिए हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं, इसको इस तरीके से काट के प्याज को भी हम इसमें हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देते हैं। देखिए एक चम्मच के करीब, बस एक चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस अब नहीं। देखिए हम इसको बंद कर देते हैं, बंद करके गैस पर इसको हम चढ़ा देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये एक बार आप खाइएगा तो बार बार आपके घर में सब बनवा के खाएंगे। इसको हम गैस पर रख दिए हैं। इसमें हम दो सीटी लगा के इसको बंद कर देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। कुकर को गैस पर रख दिए हैं, गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दिए हैं। ज़्यादा करने से करेला सीझेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कम कर दिए हैं। दो से तीन सीटी लगने के बाद आप गैस बंद कर दें। तीन सीटी इसमें लग गया है, अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को। अभी खोलेंगे नहीं, अपने खुलेगा तभी इसको हम खोलते हैं, तब तक इधर का हम तैयारी कर लेते हैं। सीटी इसका निकल गया, अब इसको हम खोल के देखते हैं। देखिए कितना अच्छा से पक गया है। इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, ये आलू मैशर है, इससे हम इसको मैश करेंगे, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। इसको कभी मिक्सी में मत पीसिएगा, इससे इस तरीके से दबा दबा के सबको हम इसी तरीके से दबा लेते हैं। इस तरीके से हम इसको मैश लिए हैं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम सारा चीज डाल देते हैं। इसमें लहसुन अदरक डाल देते हैं, बहुत ही स्वाद अच्छा लगेगा। आधा नींबू लिए, इसे भी गार देंगे। हरा मिर्च, इसे भी हम डाल देते हैं। धनिया पत्ती, इसे भी हम डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब सरसों का तेल, कच्चा तेल से बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, झांस झांस आएगा। देखिए बस एक चम्मच ही डाले हैं, छोटा चम्मच से। हम सबको
मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। इसको आपके घर में एक बार बनाइएगा तो सभी बनवा के खाएंगे, बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी इसको पसंद करेंगे। इसे हम बॉल में निकाल के आपको दिखाते हैं। कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुआ है, खास करके शुगर वालों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। जो करेला नहीं खाते हैं, जिनको तीखा लगता है, आप उनको ये बना के दीजिए, ये बहुत मन से खाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया है करेला का चटनी। ये देखिए पास से दिखाते हैं आपको। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छा बना है या नहीं। आप ही लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।